दोस्तों आज की गुड न्यूज, हमारी एक फीमेल रैबिट नेस्ट का मटेरियल इकट्ठा करने लगी है। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा है नेस्ट का मटेरियल इकट्ठा करते हुए। अभी मैं पेट हाउस की स्पाइक कर रहा था, यहाँ से तिनके वगैरह उठा उठा के ना होल के अंदर लेके जा रही थी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किधर बैठी हुई, कहाँ गई यार, इनमें से तो नहीं है, मुझे लग रहा होल के अंदर गई हुई है। और वो चेक करें, वो तिनके वगैरह उठा के लेके आई है बाहर पेट हाउस से, और ये देखें इस तरह की चीजें इकट्ठी कर रही है। तो हमारे पेट हाउस में नेस्ट का मटेरियल पड़ा नहीं है, तो इनको कोई भी कपड़ा वगैरह या तिनका वगैरह नजर आता है ना, उसको होल के अंदर उठा के ले जाते हैं। तो इनकी आसानी के लिए मैं नेस्ट का मटेरियल लेके आता हूँ। मार्केट से तो नहीं लेके आया, लेकिन नीचे हमारे काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। ये चेक करें, ये खुश्क घास होता है ना, इसे कोई नेस्ट का मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, इसी को लेके आता हूँ ताकि हमारे फीमेल रैबिट्स को आसानी हो नेस्ट बनाने में। वैसे भी सीजन आ रहा है तो हमारे सारे के सारे रैबिट्स बेबी देंगे, तो ये वाली जब देगी ना, अभी दिए नहीं है इसने क्योंकि नेस्ट का मटेरियल इकट्ठा कर रही है। जब इनका नेस्ट होल के अंदर बन जाएगा तो बेबी देगी, तो फिर हम इनको देखेंगे बाहर निकालेंगे, काफी मजा आएगा। तो जल्दी से हम नेस्ट का मटेरियल लेके आते हैं और इनके केज के अंदर रखते हैं। इसके अंदर रख दूंगा, खुद ही उठा उठा के नेस्ट बनाते रहेंगे। ये देखें, ये नरम नरम घास खुश्क हुई हुई है, इसी के साथ वो नेस्ट बनाते होते हैं। ये देखें, इसको ले जाता हूँ और इधर से थोड़ी सी लंबी लंबी घास ये वाली, इसको भी ले जाता हूँ। ये वाला इनका केज है और यहाँ पे रख देता हूँ। बुलाओ यार उस फीमेल रैबिट्स को, बुला के लाओ जो नेस्ट का मटेरियल इकट्ठा कर रही थी। जाओ, उसका मैंने भेजा है, बुला के लाता है अभी। तो यहाँ पे ना मैं रख देता हूँ, ये खुद ही उठा उठा के ना होल के अंदर लेके जाएंगे। चलो जी दोस्तों, ये हमारी पैरट्स कॉलोनी के लिए खाना अभी मैंने इनको दिया नहीं है, तो इनको अपने हैंड से खिलाता हूँ क्योंकि उस दिन मैंने इनको खिलाया था, बड़े शौक से इन्होंने खाया था। इनको हैंड टाइम करने की ट्राई करते हैं, अब चेक करते हैं कि ये मेरे हाथ से खाते हैं कि नहीं। ये मैंने अपने हाथ में खाना थोड़ा सा रख लिया है और देखते हैं खाते हैं कि नहीं। आज यार खा लो। दोस्तों कब से मैंने अपना हाथ लमकाया हुआ है लेकिन एक पैरट्स भी नहीं आ रहा, बल्कि डोलियों में जा रहे हैं। ये ट्राई कर रहा है येलो वाला आने की। आज यार कुछ भी नहीं कहता आपको मैं, नहीं आ रहे यार। मुझे ना इनको बर्तन में ही देना पड़ेगा। उतरी यार दरवाजा खुला हुआ, शुक्र इन्होंने बाहर फ्लाई नहीं किया। चलो बर्तन से तो खा लो अब। आ गया, गुड। बर्तन में डाल के दिया तो खा रहे हैं यार, वो भी चला गया, मेरा हाथ ही थक गया। चलो यार खुद ही खा लेना, तुम हैंड टेम नहीं हो गई इतनी आसानी से। जैसे ही मैंने बर्तन रखा दरवाजा बंद किया, सारे के सारे आ गए खाने के लिए। दोस्तों ये रही हमारी फिशेज, कल हम न्यू फिशेज लेके आए थे, उनको भी इनके साथ छोड़ दिए। काफी गंदा पानी है और मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि लाइट भी नहीं है और हम फ्रेश पानी भी नहीं भर सकते। अब हम इधर ही इनको खाना दे देते हैं, इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे। और सारी की सारी नीचे फिर रही हैं, कुछ आपको नजर आ रही होंगी लेकिन जो हम कल न्यू लेके आए थे ना वो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि छोटी छोटी सी है, वही बेबी देने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो टैंकी है ना बिल्कुल खाली है, ये देखें हिल रही है ना, इसका मतलब ये खाली है। अगर भारी हुई होती तो मेरे से हिलनी नहीं थी इसने। तो इनको खाना देते हैं फिर सब पैट्स को खोलते हैं। चलो जी दोस्तों, ये हमारे गर्भवती चिक्स के लिए खाना, और जिसकी टांग टूटी थी ना कल, वो माशाल्लाह अभी तक सरवाइव कर रहा है, अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो इनको मैं केज से बाहर निकालूंगा, अंदर ही खाना देते हैं क्योंकि अभी मैं सब पैट्स को निकालने वाला हूँ। कोई ना कोई पैट्स इनको छेड़ता है, इनको मारता है, तो इनको ना अब हम केज में ही रखेंगे। ये ले यार, और ये देखें ये वाला बेचारा कलरफुल चिक्स है जिसकी टांग टूटी हुई है, अभी तक सरवाइव कर रहा है। इसकी टांग का इलाज अभी हुआ नहीं है, ना ही हो सकता है क्योंकि बिल्कुल टूट चुकी है, हड्डी से अलहदा हो गई है। तो ये खाना वगैरह खा रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, वैसे तो एक टांग से चलता भी है लेकिन बैठ के खा रहा है आराम से। यार इसकी हालत देख के ना मुझे गब्बर पे बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है उसको सेल कर दूं या खा जाऊं, लेकिन कर भी नहीं सकता क्योंकि जब हमने पेट हाउस बनाया था ना सबसे पहले मैं गब्बर को ही लेके आया था, तो उसके साथ काफ़ी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। ये लो यार आप खाना वगैरह खा लो और इन पेट्स को खोल देते हैं, ये आपस में फाइट किए जा रहे हैं। चला जाओ आराम से। ओ यार मैंने डबल रोटी सबको देनी थी, ये हमारे पेट्स के लिए थोड़ी सी डबल रोटी है और हमारी मुर्गियाँ लग गई हैं खाने के लिए सबको। यार बांट के देता हूँ ना, साइड पर तो जो यार इनको क्या हुई है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ना शिजुका और नोबिता को कैसे एंजॉय कर रहे हैं हमारे पेट्स के साथ मिलके खा रहे हैं। अभी मैं गब्बर को खोलूंगा ना तो ये बेचारे अंदर चले जाएंगे डर के, तो उनको भी तो खोलना जरूरी है। बाकी मुर्गियां भी हमारी इन्हीं के साथ बंद है। चला जाओ यार, ये आ गया गब्बर बाहर और वो नोबिता और शिजुका अभी अंदर चले जाएंगे। वो नोबिता को पता चल गया वो अंदर चला गया और शिजुका भी अंदर चले गई। इतनी दहशत है यार इस गब्बर की। हमारी नोबिता शिजुका रूम के अंदर आ गई थी ना और ये इनको यहाँ पे खाना देते हैं। ये तो यार यहाँ पे आप खाना खा लो, ये पता है इनका डर कब खत्म होगा गब्बर से। ये वाला जो छोटा मुर्गा हमारा फिर है ना, जब ये न्यू लेके आए थे ना ये भी काफी डरता था और जो हमारा गब्बर था इसको मारता था, लेकिन एक साथ रह रहे ना क्योंकि जब भी ये उसको मारने के लिए जाता है वो आगे से भाग जाते हैं, तो फिर गब्बर भी पीछे हो जाता है। वो कहता है जब वो डर रहा है मेरे से तो मुझे उसको मारने की जरूरत भी नहीं है। ओए ये क्या चीज मार रही हो, गो, एक मिनट रुको मैं भी आ रहा हूँ। दोस्तों बच्चे पता नहीं किस चीज को मार रहे हैं नीचे, क्या मार रहे हो, गो को मारा है, नहीं मारना था यार, कहाँ पे है। ओ तेरी खैर, ओए होए,
ये तो सांडा है, गो नहीं है। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? हमने तो मार दिया। ओए होए, सोटी दिखा इधर यार, बेचारी के अंदर बाहर निकाल दिए मार मार के। कहाँ से निकला था ये? वहाँ से, पौधे में से। दोस्तों ये सांडा है और ये मुझे वही लग रहा है जो हमने कुछ दिन पहले इसकी वीडियो बनाई थी। और ये बेचारा काफी सुस्त था, भाग नहीं रहा था ये। नहीं इतना खास नहीं भाग रहा यार। ये वही सांडा है जिसकी हमने वीडियो बनाई थी ना, काफी सुस्त था। हॉल के बाहर से हमने इसको बाहर निकाला था और उस तरफ से वो सामने जो हॉल है, और पहले हमें यहीं से भी एक दफा मिला था, यहाँ पे भी हमने वीडियो बनाई थी और ये बच्चों ने पकड़ के मार दिया। होए होए यार, नहीं मारना था ये, तुमने क्या किया है? निकला हमने मार दिया और क्या करें। दोस्तों ये वाला बच्चे ना क्या कह रहे हैं, बच्चे डर रहे थे हमने मार दिया। दोस्तों ये जो बच्चे सारे आप देख रहे हैं ना, ये अरबाब के भाई की शादी है तो वहाँ पे मेहमान वगैरह आए हुए हैं, खेल रहे थे और इन्होंने देखा इसको मार दिया। इतना प्यारा सांडा था यार, हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते थे, हमें इसकी वीडियो भी बनाते थे और आज बेचारा एक्सपायर हो गया। मार मार के इसकी आंखें भी बाहर निकाल दी। ओए तुम लोगों ने भी मारे? ये वट्टे मारने वाले थे यार, मुझे पता ही चला नहीं तो इसको बचा लेता। मैं ऊपर वीडियो में बिजी था, मुझे पता नहीं चला। बेचारे को मार मार के ना उसके अंदर ही बाहर निकाल दिए। पीछे हो जाओ यार, कब निकला था ये? थोड़ी देर पहले। ओए टिटू, तू अभी आए तो नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्तों हमारे टाउन में कोई भी मसला वगैरह होता ना तो जो टाउन के बच्चे होते हैं वो मुझे आके बता देते हैं। ये टूटू भी बताता होता है और इसका भाई भी बताता है, लेकिन हमारे टाउन के सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं और ये मेहमान आया नहीं हूँ तो इन्होंने पकड़ के ना ये हमला कर दिया यार। बड़ा ही अफसोस हुआ है, इसी की तो हम वीडियो बनाते थे जो बेचारा एक्सपायर हो गया है। तो इनका हॉल वो सामने उस जगह पे है, तो यहाँ पे भी पता नहीं शायद इनका हॉल होगा। यहाँ पे भी हमने देखा था और वहाँ पे भी। हाँ पेट ही फाड़ दिया, कातिल हो तुम लोग सारे। दफनाने लगा यार, मार तो तुम लोगों ने दिया इसको बेचारे को। दोस्तों अब हम ना इसको दफना देते हैं, बेचारा एक्सपायर हो गया है। ओए टिटू, हमारे घर से कसी लेके आओ, इधर कर दे इधर। यार मैं इसको बचा नहीं पाया, मुझे पता ही चला, मैं ऊपर बिजी था इस वजह से। मिट्टी डाल दे ऊपर। दोस्तों हमारे टाउन में ना पेट हाउस के नीचे आसपास काफी ज्यादा किनारे चूहे, कांटों वाले चूहे, गो किरले वगैरह और इस तरह सांडे वगैरह फिरते रहते हैं, तो हम उसको कुछ भी नहीं कहते। और इधर जो टाउन में रहते हैं ना वो मुझे जानते हैं, कोई भी इसी तरह की चीज देखते हैं ना तो फौरन मुझे आगे बता देते हैं, मैं उसको रेस्क्यू कर लेता हूँ या उसको पकड़ के अपने पेट हाउस में ले जाता हूँ या उसको पकड़ के वीडियो वगैरह बना के छोड़ देते हैं देख के। तो यार इसका मुझे पता ही चला सांडे का, बच्चों ने पकड़ के मार दिए। सांडे की वीकनेस की वजह से ना ये बच्चे उसको आसानी से मार पाए, नहीं तो अगर फास्ट सांडा होता ना जैसे मैंने उधर होल के पास देखा था तो इन्होंने कभी नहीं मार पाना था। तो ये बेचारा भागता भी नहीं था ज्यादा, इसलिए इनसे मारा गया है। और मैंने टीटू को किसी को कहा था यार ये अपने घर से ले आया। ओए मैंने अपने घर से कहा था तुझे। ओए होए यार, टीटू इस तरह की हरकतें करता है ना, मुझे तेरे पे बहुत ही प्यार आता है यार। ये देखें कसी अपने घर से लेके आया, इतनी भारी कसी, वो सामने इसका घर वहाँ से उठा के लाया है। चला यार देख के आए इसको, मुझे नहीं चाहिए। हमने तो अब सांडे को दफना दिया, मैंने कहा टीटू पता नहीं कहाँ रह गया, मैंने दूसरे बच्चे को भेजा था वो कसी ले आया था। यार टीटू शैतान भी बहुत है और मासूम भी बहुत है और प्यारा भी बहुत है। ये अपने घर से लेने चला गया था यार, मैंने तो ये अपने घर से कहा था। दोस्तों ये थे आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, मिलते हैं कल चैनल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।